अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आप लोगों की दुआ से तो जज का व्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार हो गया, हमारा जरूर बताएगा हम कैसे लग रहे हैं। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ। और घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, और क्या करना है, और बहुत सारे काम है, और बहुत सारे काम है जो हुमा के अंडर में दे दिए मैंने। जी नहीं, मिलके करेंगे। नहीं, मिलके नहीं करेंगे, मिल बांट के करेंगे। वही बात है, सही है। तो यहाँ पे जो है घर का कुछ ऐसा माहौल हुआ है, दिखाऊंगी ना तो आप लोग खुद भी गो हो जाओगे। क्या बोले, हाउसफुल है ऑडियंस। उनके आगे जो है ना, यहाँ किरण जो है ना ऐसे करके खड़ी हुई है, और किरण सबसे पूछ रही है, हाँ जी आप बताओ कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है। आप सबसे भी पूछ रही है, आप सब लोगों से भी पूछ रही है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है। तो इन सबको जो है फौरन ही घर से निकालूंगी। अभी फौरन ही आया और मैं फौरन ही निकालूंगी। चाय पानी बिल्कुल नहीं पूछूंगी आज, सही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पानी मैंने सबसे पूछा है, खाना पानी सबसे पूछा है। इन्होंने बोला कि नहीं हमने कुछ नहीं खाना। फिलहाल मैं खुद जल्दी में हूँ। बहू रानी का दानिश बहन क्या है आपकी लिस्ट बनाए? आ गई है। हाँ, लिस्ट बनी पड़ी है दिमाग में। हुमा, हाँ सब याद है। तुम लोग भूल जाते हो यार, सब याद है। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। बेस्ट है कि नहीं बोल रहे हो मम्मा? लिस्ट बताओ, बेस्ट है लिस्ट है तो बताओ। सब कुछ लाना है। हमारे घर में एक गरम मसाला जो था ना, गरम मसाला नहीं है। जब से मैं आई हूँ ना, मैंने ग्रोसरी नहीं की, मैं नहीं गई बाजार। आज जा रही थी, ये मैडम साहबा बगैर बताए आ गई। कुछ नहीं, मैं बोलूंगी इसको भी, फिलहाल तो मेरी गलती नहीं है, बंदे को बता कर आना चाहिए। चलो, मैं यहाँ रेडी खड़ी हुई थी। टपा, चलो कोई नहीं। सारा डब्बे खाली हैं, चेक कर लो ना क्या खत्म है क्या नहीं खत्म। माशाल्लाह ये तो पूरा ही खाली है। इसमें क्या क्या था? पिसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, सब कुछ था। सब कुछ मसाला में सब खत्म हुआ है। मतलब जितना मेरा बजट है उसी हिसाब से मैं अभी जो है ना सामान लेता हूं। हल्का फुल्का, चलो सही। छोटी सी ग्रोसरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी वाली नहीं करेंगे, छोटी सी करेंगे। अब देखो अचानक ही जो है ना, अभी जा रहे थे हम शॉपिंग पे, वो नहीं जा रहे हम लोग, हम जा रहे दोनों बहनें जाएंगे। अब ये नहीं जा रही मैडम, ये घर निकल रही है। या नहीं किया करो ऐसा, रोने लग गई है। मैं तुम्हें कह रही, तुम रोने लग गई हो। इसको जाना था हमारे साथ, इसका बाबा लेके जा रहा है, कहता नहीं अब घर जाना। चलो कोई नहीं, खैर से जाओ, जाएंगे तो जी आएंगे इंशाल्लाह। दानिश को रोको। हाँ, ये जाने की वजह से रोना देता। हाँ, नहीं छोड़ा ही देगा। दानिश तुम रुक जाओ, ये कुछ डिसाइड हो रहा है हमारा। वायदे हो रहे हैं कोई बहुत बड़े बड़े। कौन से वायदे चलाने हैं? दानिश तुम रुक जाओ, बात नहीं रुक रहा। रोक दे भाई, मशीन चल गई है, बात रोक दे। चल ठीक है, ख्याल से जाना, सही है। अल्लाह हाफिज। मैं भी नीचे उतर रही हूँ, सही, मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे। पहले तो बहू रानी के साथ जा रही थी, अब हम खुद जा रहे हैं। कोई नहीं, इनको रास्ते में छोड़ देंगे, हम आगे चले जाएंगे सामान लेके। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है। फिर आगे घर की सफाइयाँ करेंगे। आज हम करेंगे डीप क्लीनिंग घर की पूरी, अच्छे वाली, एक घंटे के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। टास्क दूंगी हुमा को भी और अपने आप को भी इंशाल्लाह। वो मौके का फायदा उठा के बाहर भाग रहा है। नहीं भागेगा, मोटू भाग रहा था, कोई आई नहीं बाहर। चलो अच्छा ठीक है मम्मा, अल्लाह हाफिज़। टाइम बचा रही थी बहुत जल्दी में। डोमेक्स लोगो बहुत अच्छा होता है।
वाला साबुन भी चाहिए। आपने पानी नहीं पिलाया, मेरी हिचकी खुद से ही ठीक हो गई। पिंक सॉल्ट देखना, ये पड़ेगा। कितनी स्पीड में है, जस्ट इंटर हुआ और एकदम से ले भी लिया सब। बिरयानी के लिए? हाँ, बिरयानी के लिए। एक तो छोटा, दोनों दो किलो बहुत है। हाँ, पहले चेक कर लो ना, क्या पता कैसा हो। अच्छा, ये मैंने खाया हुआ चिकन बीफ। सही है, लेटर तो नहीं है ये, है तो सही कैट लेटर। ये कैसा है, इनमें भी फ्लेवर आते हैं, मट्टी में भी। क्या बात है। हमारा प्लान था आज हम पास्ता बना रहे थे, अगर सुबह लोग रहते तो नहीं जाती तो बनता, अब तो वो चली गई, अब नहीं बना रहे, प्लान कैंसिल। अब हम खाएंगे निहारी अचार। लेना अचार, मिक्स अचार, मिक्स अचार, ये वाला अच्छा होता है। वो नहीं, वो सारी बोतल का नहीं, ये सही है, ये अच्छा होता है। बस हो गया, मसाले सारे, गरम मसाला, साबुत ले लो, उसे खुद ही पीस लेंगे। एक्सपायर नहीं होगा, हर चीज़ ओवर डन। ठीक है, अब चलो चलो। बहुत जल्दी फ्री हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। दानिश आके हेल्प करना, मिस ही चला गया, छोड़ अपने घर पे नहीं पहुंची होंगे वो, और अभी से मुझे याद आने लगे। दानिश इधर आना बेटा, कोई नहीं, अब हम उसके भूतों से बात करेंगे। वैसे वो कहता मैं जीनू, बड़ा शोर होता है हमारी गली में, बड़ा शोर होता है। अब बिना सांस लिए सामान रखेंगे और घर का काम करना है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। कौन से बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं ना, अभी अब देखो ना, मैं इन बच्चों को भी बोलती शुभ ओम की जो नहीं जला ना तो खुश मिलो कमीना बच्चा। अम्मी ये सुनाई का खाना सही है, और हमारा खाना का, हमारा खाना मुझे नहीं पता तुम्हें। ये रहा निहारी, उठा निहारी, रोटी लानी है अभी, रोटी ले आएंगे अभी, भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, ये निहारी आ गई। मम्मा जावेद निहारी खुली है यहाँ पे? नहीं, इतना रश था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। वो, बहुत रश, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमें और ये सादी निहारी खाली 500 की दी, सादी निहारी, और नली निहारी 800 की, और मगज निहारी 900 की। तो जी यहाँ पर आके राशन पानी जो हमने यहाँ पर रख दिया है, मेरे बच्चे अभी सुन पड़े। अरे सुन लिया करो कमीनो, मेरे बेटे का मुँह नहीं धुलाया किसी ने मुँह साफ नहीं किया, अभी हम इसका मुँह साफ करेंगे, इसको पाला पाला बनाएंगे, इसकी आंखें चेक करो कितनी प्यारी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं अभी फेस वॉश कर लूँ, अपना मुंह साफ कर लूँ, मैं फिर आता हूँ आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम लोग घर आए, घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद घर के काम किए, हालत ज़बरदस्त और टाइट हो गई। हम लोग थोड़े कुछ होश नहीं था, अब भी उठे हैं, टाइम बहुत थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है। ये लो, ये लो, बिस्मिल्लाह। हाँ, आज 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 आ
हम जाएंगे तो आएगी। हाँ आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार वाली यम्मी यम्मी वाली बिरयानी और वह खाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। आप लोग सोच रहे कौन खाएगी, मेरी ज़िंदगी खाएगी और कौन खाएगा, और माशाल्लाह अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन आने वाला है। आज हमारी मम्मी बड़ी चहक रही है, बहुत ज़्यादा खुश है और साथ में हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज तो हम बाग बाग हुए हैं, थोड़ी देर में और ज़्यादा बाग बाग हो जाएंगे, तो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, फटाफट चिकन ले आए, पता चल रहा है वहीं लेट हो जाए और हम जा ही ना सकें। सही है, फौरन चलो फटाफट से। ये लोग गेट पे क्यों बैठ गए? यहाँ तो लग गई मुझे प्यास, अब मेरा दिल चाह रहा है जूस पीने को। एक उमा को जूस दिलाया, एक बर्फ खुद किया, दही ले ली, सब्ज़ी भी लेनी है, गोश्त का भी कह दिया, सब चीज़ें हो गई डन। यहाँ पे पियेंगे जूस, ठंडे ठंडे होते हैं, गर्मी बहुत है, हफ्स हुआ बस, हवा भी चल रही मगर हफ्स। आपको पता होगा मीठा कौन सा होगा? चख लो, मक्खियों ने छाना हुआ है, वो देखो छन्नी रखी हुई है। हरे हरे लाओ, मैं चख लो। ये हो गया आपके 3.5। यहाँ पे सब्जी भी हमारी भी 400 रुपये। अच्छा सही थी, सही थी। चलो नहीं, सब्जियाँ इनकी जो होती है ना थोड़ी की पूरी ताज़ी होती है, अच्छी फ्रेश होती है। हाँ आधा रात रात निकाल देना मिट्टी को, देखो चल बड़ी बड़ी। हाँ रात को फ्राई पेड़ सही अभी तो इतनी से बस और दो दो सफर भर दो। हाँ भर दो, पूरा भर दो। ये जो ऊपर भरा है ऐसी दी है? हाँ मैं ऐसी लेके जाती हूँ, देखो जरा से काम 50,000 कितने हुए तुम्हारे? क्यों 1500 भी कम बोले। सही है, पूरे 1500 करो। सही है, सामान लेके थक गए, कुछ यहाँ से मम्मी उठा ले, थक गए मम्मी। 5 मिनट में आई हूँ, फटाफट फटाफट सारी चीज़ें ली, पर हम बाहर जूस भी करें फिर भी घबराहट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी दादाजी से चटक आती हूँ। अम्मी जब तक गोश्त धो के देती हैं तब तक जो है थोड़ा सांस लेती हूँ, उसके बाद जो झटपट बना के दूंगी बिरयानी। इतना ही करना बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखना तो मेरे कमाल, मैंने सांस भी लेना और मैंने बिरयानी बना डाल दी। उसमें लग गया ऐसी नहीं है, लो बना ली मैंने बिरयानी। हाँ अरे चल शुक्र। अब ये थोड़ा गर्म हो जाए, प्याज मैंने काट ली है, थोड़े ना और काटूंगी। मुझे गोश्त थोड़ा चाहिए, थोड़ा और चाहिए, तो ये प्लेट और नहीं है बड़ी वाली वो इधर से बना चलता। तो जी यहाँ पे मैं इतना जल्दी में खड़ी हुई हूँ ना, अम्मी इतनी जल्दी जल्दी धो धो के दे रही है, मैं फ़ौरन ले रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अम्मी और डेली टाइम नहीं है, अम्मी के लिए जो ना टाइम लगा रही नहीं, बस अल्लाह प्याज इतना गर्म हुआ ही। इसमें से आधा प्याज मैं निकाल दूँगी, इसको फिर टेबल पर रखूँ, बाद में वॉश करके मैं रखती हूँ। अभी और ये भिंडी भी मेरी बात है, ये भिंडी ऐसी फ्रिज में रख दूँ।
यहाँ पर डाल दी बिस्मिल्लाह करके हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन। अब अच्छे से जो है ना उसको फ्राई करते हैं। बहुत रेड की रेसिपी माशाल्लाह, ये झटपट बनती बिरयानी भाई। अल्लाह दीजिए, इससे पहले मैं अपने हाथ जला लूँ, अच्छे वाले भून लूँगी दो चार मिनट ढक्कन लगा के। मैं ढक्कन लगा के बना के जल्दी हो गया। यहाँ से हाथ का सामान भी समेट लेते हैं। और यहाँ मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, कटहल जो है धो लिया और इसको इस जगह पर रख लेंगे। माशाल्लाह आज हमारे घर में मसाले आ गए जी, सबसे पहले इसकी मुबारक जगह भर गई। एक थाली है उसमें वो गरम मसाला पीस के डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें पानी भी छोड़ दिए, अच्छे से फ्राई भी हो गया। अब डाल दूँगी मसाले, फटाफट डालूँगी इसमें, डाल दूँगी बिरयानी मसाले का डब्बा डाल दिया है। अब मैं इसमें भर चम्मच हल्दी डाल दूँगी, लाल मिर्ची का चम्मच, थोड़ा थोड़ा कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा ही जीरा बस। इसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा नमक जाएगा, ज़्यादा नहीं बस, क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक होता है। अब जाएंगे दही, टमाटर ढाई चम्मच में इसमें डालूंगी दही का, मैं इसको हल्का सा पकड़ लूँ और ये हमारे कपड़ों में लगा। दो चम्मच मैंने दही के भरे हुए डाली, ये रायता बनाएगी हम, सही हो गया। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ढक के इसको पका लेंगे। बस इसमें पानी वानी थोड़ा सा अगर लगेगा तो डाल दूँगी, वरना ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह शक्ल देखो कुछ ऐसी हो चुकी है। अम्मी ये अब आपका काम है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? थोड़ा बस आधा कुक होगा ना, आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा, बाकी मैं आप कर लूँगी। ठीक है जी, अब इसको जो है यहाँ रख देते हैं, बाकी हमारी मम्मा देखेंगी, दम आके दे दूँगी, जब दम हो जाएगा फिर खाएँगे, नोश फरमाएंगे, भूख तो अभी से लगेगी। खाना आधा छोड़ के मैं जा रही हूँ लेने के लिए जी। अब आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा कि मम्मा की ज़िंदगी आएंगी, आप लोग भी मिलिएगा उनसे। तो जी फिर आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और दुलार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों की हर परेशानी दूर करें, आमीन। किरण अपने लिए भी यही दुआ करते हैं, किरण की भी सारी परेशानियाँ दूर करें, अल्लाह आमीन सुम आमीन। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फ्रेश ब्लॉग में फ्रेश होके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेश होकर नहीं, मैं इसी हालत में जा रही हूँ और फिर वापसी में मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।